शिवर जगश्वी प्राण त्यागने के पूर्व महादेव के दर्शन करवा दीजिए। वो अन्न और जल तब तक ग्रहण नहीं कर सकते जब तक उन्हें महादेव साक्षात दर्शन नहीं देते। और यदि इन ऋषिवर का देहावसान हो गया तो पिताश्री पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त कर चुके काशी के नवीन सम्राट तिवुदास ने उनके समक्ष अपना तर्क सदक पक्ष रखा तो फिर स्वामी ने भी निश्चय कर लिया। उमा, मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। देवदास उचित कहता है उमा, ब्रह्मदेव ने उन्हें वचन दिया है, उनके वचन का मान तो मुझे किसी भी अवस्था में रखना होगा। उचित है नाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी, हम कैलाश लौट चलेंगे। चलिए स्वामी। नहीं उमा, आप जगत माता हैं, स्वयं प्रकृति हैं, आपके बिना संसार का भरण पोषण असंभव है। देवताओं के अभाव में संसार की रक्षा हेतु आपका यहां उपस्थित रहना अति आवश्यक है। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। आपको अपने निवास, अपने स्थान पर दृष्टि बनाए रखने के लिए यहां रहना आवश्यक है। ब्रह्मदेव ने उन्हें वचन दिया है, उनके वचन का मान तो मुझे किसी भी अवस्था में रखना होगा। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। जिस दिवस काशी मेरे स्वामी से रिक्त हुआ उसी दिवस देवताओं के अंश भी काशी छोड़कर चले गए। जिन्हें मुझसे कैसा अनर्थ हो गया महादेव, मेरे वरदान का मान रखने हेतु आप अपनी प्रिय काशी के साथ साथ देवी आदि शक्ति को भी छोड़कर जाने के लिए विवश हो गए हैं। और इसी कारण अन्य देवताओं के अंश भी जिनका वास काशी में था वो भी अपने स्थान से रिक्त हो गए। और तब से मैं मेरे स्वामी के आदेश का पालन करते हुए यहाँ स्थित हूँ और उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही। ये कैसी विडंबना है माँ, भक्त के लिए भगवान ने अपने निवास का भी त्याग कर दिया और आप अपने पति के लिए अर्थात पिताश्री के लिए उनके उस निवास को संभाल कर रख रही है। क्या नहीं मुझसे विलग होकर मेरा स्मरण भी करते हैं वो, क्या मेरा विचार भी करते हैं वो, अथवा अपने ध्यान में इतने लीन हो गए हैं कि मुझे भूल ही गए। पिताश्री आपको भूल जाए ये कैसे संभव है माँ, ये संशय भी भला कैसे उत्पन्न हो सकता है आपके मन में। मुझे स्मरण है जब हमने काशी आने की अनुमति मांगी थी तो पिताश्री कितने आनंदित और उत्साहित थे। क्या मैंने उचित सुना,
गणेश ने काशी नगरी का नाम लिया क्या? किंतु उनके उस उत्साह का कारण अब समझ में आ रहा है मुझे। ये सब तो पिताश्री की ही लीला है। उन्हें तो आरंभ से ही ज्ञात था माँ कि ज्ञानारी जी को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाना तो मात्र एक कारण था। मेरे और भैया के यहाँ आने का और आपकी और पिताश्री के अंश के वियोग से अवगत होने का और हमारे यहाँ आगमन का वास्तविक कारण तो पिताश्री के अंश उनकी प्रिय काशी लौटाने का उपाय ढूंढना है। माता, 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 माता। ये तो ऋषि जगेश्वरी है। माता। ऋषिवर। 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 ऋषिवर उठिए। माता, मेरे प्राण जाने को हैं। बस एक बार प्राण त्यागने के पूर्व महादेव के साक्षात दर्शन करने का इच्छुक हूँ माता। अब आप भी इसका कोई उपाय कर सकती हैं माता? साक्षात दर्शन करवा दीजिए महादेव। महादेव। ऋषिवर स्वयं को संभालिए। गणेश, जल लेकर आओ। हाँ भैया, अभी लाया। महादेव। गणेश शीघ्रता करो। ऋषिवर। हाँ भैया, ये लीजिए जल। ये लीजिए ऋषिवर, जल ग्रहण कीजिए। ऋषिवर लीजिए, लीजिए जल ग्रहण कीजिए। जब तक महादेव के साक्षात दर्शन नहीं कर लूंगा फिर जल ही रहूंगा। माँ, ये जल को अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? ये महादेव के साक्षात दर्शन करने के पूर्व अपना शरीर नहीं त्यागना चाहते, इसलिए जल ग्रहण करने से मना कर रहे हैं पुत्र। किंतु ये भी कैसे संभव होगा पुत्र, क्योंकि स्वामी का तो काशी में प्रवेश ही वर्जित है। ओम नमः शिवाय। ऋषिवर तो अपनी चेतना खो रहे हैं। माँ, अब तो स्थिति द्विगुणित हो रही है और विकट बनती जा रही है। यहाँ ऋषि जगेश्वरी को यदि पिताश्री के दर्शन प्राप्त ना हुए तो वो अपने प्राण त्याग देंगे और बाहर ज्ञानारी जी का पिशाच बड़ी आतुरता से भैया और मेरे द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आप भी यहाँ एकाकी इतने समय से पिताश्री के अंश की प्रतीक्षा में व्याकुल है माँ। माँ, आपकी पीड़ा दूर करने के लिए हमें सर्वप्रथम पिताश्री को काशी लौटा कर लाना होगा। तत्पश्चात हम दूसरी समस्याओं का भी शीघ्र समाधान कर लेंगे। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, ये समय मेरी व्यथा पर विचार करने का नहीं है। इस समय तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्तव्य ही सर्वोपरि है। पुत्र, ज्ञानरी का पिशाच ही तुम्हें काशी लेकर आया है, इसीलिए सर्वप्रथम तुम्हें उसी की समस्या का निवारण करना चाहिए, उसे मुक्ति दिलाने का उपाय करना चाहिए पुत्र। किंतु माँ, हम तो कितने समय से इसी का प्रयास कर रहे हैं और बार बार उसमें विफलता ही प्राप्त हो रही है हमें। हाँ माँ, पिताश्री यहाँ नहीं है तो काशी में पिशाच योनि से मुक्ति तो असंभव है, और यदि काशी में उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती तो फिर हम कहाँ ले जाएंगे उन्हें माँ? कहाँ ले जाकर मुक्ति दिलाएंगे ज्ञानारी जी के पिशाच को? हाँ माँ। गया, गया, गया। उसे गया ले जाओ पुत्र, वहीं उसकी मुक्ति संभव है। किंतु माँ, जो कार्य काशी में संभव नहीं हुआ वो गया में भला कैसे संभव हो सकता है? पुत्र, गया वो धाम है जहाँ पिंड दान होने पर
मृत जीव आत्माओं को सद्गति अवश्य प्राप्त होती है, और ऐसा गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण है। गयासुर अर्थात एक असुर? एक असुर को इतना बड़ा वरदान कैसे प्राप्त हुआ माँ? पुत्र, गयासुर एक असुर अवश्य था, किंतु वो नारायण का परम भक्त भी था, और राजा देवोदास के ही समान वो नेक, सदाचारी और धर्मनिष्ठ। अच्छा माँ, किंतु उसने इतना बड़ा वरदान कैसे प्राप्त किया? पुत्र, नारायण भक्त गयासुर ने अपने आराध्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए भीषण यज्ञ आरंभ किया। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मनवांचित फल प्रदान गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मंगल कामना पूर्ति फलम गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो विष्णु शंखाय मम सर्व मंगल कामना पूर्ति फलम गुरु गुरु स्वाहा। पुत्र गयासुर, प्रभु नारायण मेरे आराध्य, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न। कहो कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? मुझे तो मात्र आपका तप करने से ही अपार सुख और शांति की प्राप्ति होती है, और आपने तो मुझे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। प्रभु आपके दर्शन ही मेरे लिए वरदान स्वरूप है प्रभु, और आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है प्रभु। यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे निरंतर भाव से तप करने की शक्ति दीजिए प्रभु, और मुझे यह वरदान दीजिए कि जब मैं आपकी तपस्या में लीन हूं, उस समय जो भी जीव मुझे स्पर्श करे या मेरे दर्शन करे, वह यमराज और उसके दूतों के बंधन से मुक्त हो जाए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और वो वैकुंठ गमन के अधिकारी हो। आपके इस आशीर्वाद के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। और इस प्रकार गयासुर के वर प्राप्ति से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। दुर्जन अत्याचारी पुरुष पाप कर गयासुर का स्पर्श कर लेते थे और मोक्ष पाकर वैकुंठ पहुंच जाते थे। हम पापियों के साथ न्याय करने में, उनको दंडित करने में असमर्थ हैं प्रभु, और गयासुर के प्रभाव से पापी भी मोक्ष के अधिकारी बने हुए हैं, और अधिकतर जीव मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, इसलिए पुनर्जन्म का चक्र भी खंडित होता जा रहा है। ये अनर्थ कब तक होता रहेगा महाराज? आप यथाशीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा सृष्टि का घोर अनिष्ट हो जाएगा। मैं शीघ्र अतिशीघ्र इस चिंता को त्रिदेव के समक्ष रखूंगा, अब वही इसका कोई समाधान सुझाएंगे। प्रभु, प्रभु आपने जो गयासुर को वरदान दिया है, प्रतीत होता है कि किसी को भी पुण्य प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यज्ञ आदि में किसी की भी रुचि नहीं है। प्रभु समस्त देवताओं का भविष्य आहार प्राप्त होना बंद हो गया है। कुछ कीजिए प्रभु, सभी देवता निर्बल होते जा रहे हैं। महादेव, यदि ऐसा ही होता रहा तो जिस संसार की रचना आपने और माता आदि शक्ति ने की है, वो जीवों से रिक्त हो जाएगा। नहीं, इस समस्या का एक ही समाधान है, गयासुर की मृत्यु हो,
जब वो ही नहीं होगा तो उसके माध्यम से किसी को मुक्ति भी नहीं प्राप्त हो पाएगी। सृष्टि के हित के लिए मुझे उसका अंत कर ही देना चाहिए। नहीं देवराजन, गयासुर मेरा भक्त, निर्दोष, निष्कपट। मैं मानता हूं कि संसार की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु उसके लिए किसी निर्दोष का वध करना कदापि उचित नहीं। और वैसे इस समय आप सभी देवताओं कोई इतना सामर्थ्य नहीं कि गयासुर को क्षति पहुंचा सके। तो नारायण, क्योंकि मेरे वरदान के कारण उसके चारों ओर एक प्रबल ऊर्जा है। अब यदि मैं आपका सुझाव स्वीकार भी कर लूं ना देवराजन, तो आपकी शक्ति उस प्रबल ऊर्जा को भेद कर गयासुर का वध नहीं कर सकती। हमें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा, वो भी शीघ्र अति शीघ्र। मेरे पास एक उपाय है। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मंगल कार्याय पूर्ति नमः कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः विष्णु शंखाय मम सर्व मंगल कामना पूर्ति फलम कुरु कुरु स्वाहा। गया सुर, प्रणाम ब्रह्मदेव। मुझे ज्ञात है कि नारायण की तपस्या से ही तुम अति आनंदित हो। तुम्हें मुझसे अथवा किसी और से कोई वरदान नहीं चाहिए, किंतु मुझे तुमसे एक वरदान चाहिए। आप जो चाहे मांग ले ब्रह्मदेव, मैं तपस्या के मध्य जो भी मेरे वश में है वो वरदान देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। गयासुर, नारायण द्वारा तुमको दिए गए वरदान से पवित्र हुए तुम्हारे तन पर विराजमान होकर मैं यज्ञ करने का इच्छुक हूं। अवश्य प्रभु, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। जब तक मैं तुम्हारे तन पर आरूढ़ होकर ये यज्ञ संपन्न नहीं कर लेता, किसी को भी हमारे निकट आकर मेरे यज्ञ में व्यवधान डालने की अनुमति नहीं होगी। अपनी इस युक्ति से ब्रह्मदेव ने यह सुनिश्चित किया कि अयोग्य जीव गयासुर के दर्शन अथवा स्पर्श के माध्यम से मोक्ष न प्राप्त कर सके। ब्रह्मदेव के आग्रह को अपना सौभाग्य मानकर गयासुर ने ब्रह्मदेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया और स्वयं पृथ्वी पर लेट गया। उसका विशाल शरीर 5 कोस के क्षेत्र में फैल गया और ब्रह्मदेव उस पर स्थित होकर यज्ञ करने लगे। ब्रह्मदेव अनंत काल के लिए गयासुर के तन पर बैठकर यज्ञ नहीं कर सकते। एक समय के पश्चात उनका यज्ञ पूर्ण होगा और उसके बाद गयासुर पुनः उठकर तप करने लग जाएंगे और सभी जीवों को पुनः उनके निकट जाकर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। मेरे विचार से हमें ब्रह्मदेव की सहायता करनी चाहिए। हाँ, यही उचित होगा। हमें गयासुर के भिन्न अंगों पर स्थापित होकर अपने भार से उसे दबाए रखना होगा, जिससे कि वो उठ न सके। किंतु उसकी विशाल काय काया के कारण हम देवताओं को सम्मिलित रूप से प्रयास करना चाहिए। संसार की भलाई एवं सृष्टि के नियम पूरक संचालन के लिए गयासुर का पृथ्वी पर लेटना ही आवश्यक था और जिसके लिए देवताओं ने एक सम्मिलित प्रयास किया। देवता गयासुर को उठने से रोकने के लिए उनके भिन्न भिन्न अंगों पर जाकर स्थित हो गए। हमारे भार से गयासुर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, हमें उस पर और भी भार डालना होगा।
हम सभी ने अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर लिया, किंतु फिर भी हम गयासुर पर नियंत्रण पाने में असमर्थ हैं। इससे चिंतित सभी देवता महादेव का आवाहन करने लगे और अंततः महादेव उन सभी के समक्ष प्रकट। गयासुर नारायण का परम भक्त है, इसलिए इतना बल उसमें नारायण की परम भक्ति से ही उत्पन्न हो रहा है। इसलिए आपकी समस्या का समाधान तो नारायण ही कर सकते हैं। इसलिए आप सभी नारायण का ही आह्वान कीजिए। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। नमः। ओम नमो नारायण नमः। नमः। तो क्या माँ, देवताओं के गुहार लगाने पर क्या मामा जी उनकी रक्षा के लिए प्रस्तुत हुए? गयासुर से संबंधित इस घटनाक्रम में प्रभु की कौन सी लीला नहीं थी और क्या प्रयोजन था उसका? पुण्य फल का भागी केवल धर्म का पालन करने वाला ही प्राप्त कर सकता है। यदि उसका दुरुपयोग होता है तो या दूसरे उसका लाभ लेते हैं या तो दंड के भागी हो सकते हैं।